केजरीवाल को आजाद कर चुके हैं ना आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जी, कि उन्हें इतमाद में नहीं लिया गया, वहां सिर्फ इसकी बात की गई थी इस्तेकाम पाकिस्तान की, ऑपरेशन की कोई बात नहीं उनके उनके बकौल। दूसरी बात यह है कि जो वज़ीर-ए-आला होता है वो एक सियासी जमात का नुमाइंदा होता है जी, असल में हैसियत तो सियासी जमातों की होती है ना, वज़ीर-ए-आला की तो नहीं होती, सियासी जमातें उसकी क्यादत नहीं करेंगी और वो क्यादतें सियासी जमातें जो हुक्मरान जमात है पीटीआई वो भी उसमें शामिल है। एक बात तो ये है कि ऑपरेशन की जरूरत है, पूरा मुल्क समझता है ऑपरेशन की जरूरत है, पूरा मुल्क जानता है कि ये साचे और पांच और दस लोग रोज 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 पे मारे जा रहे हैं और उनको पता है कि ये किधर से आते हैं, क्यों आते हैं, कौन भेजता है और उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए बिल्कुल। अगर नहीं होने, अगर वो रोक सकते थे इनको बगैर एक्शन के तो मैं एक्शन की जरूरत नहीं होती, मगर अब तो हमारे लोग मर रहे हैं ना, उनके तो कुछ कम मर रहे हैं और या उनके जो मर रहे हैं वो इतने नहीं मर रहे हैं कि वो खत्म कर रहे हैं, इतने नहीं मर रहे हैं जितने मरने चाहिए कि ये ऑपरेशन खत्म हो। तो अब बात असल ये है कि हमें कुछ करना चाहिए और हमने कहा भी है पहले कि तुम हमारे खिलाफ होगे तो हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे, ये तो सबको पक्का है। अब फिर भी वो आ रहे हैं और फिर भी वादा किया हुआ है टीटीए ने कि इनको हम नहीं आने देंगे, तो वो ना सिर्फ उनको आने दे रहे हैं, वो साथ मिले हुए हैं, हथियार जो हैं अमरीकनों ने कन्वीनियंटली छोड़ दिया था अफगानिस्तान में, चार या छह डंप्स हैं एम्युनिशन के जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आर्ममेंट्स उसमें हैं, जो इन्होंने तीन दिन का तो हमें वक्त दिया, तो तीन दिन में हमें जमात तो कोई ना कोई ढूंढनी थी। पहले इन्होंने हमारे हाथ पांव बांध के इलेक्शन में फेंका और जब हमें पाकिस्तान की आवाम ने माशाल्लाह से इतना ज्यादा वोट कास्ट कर दिया, 70% 75% हमें वोट कास्ट हुआ पाकिस्तान की आवाम की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द अदर साइड, मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शेराज़ी। नाज़रीन, हमारे मुल्क की सियासत है जो कि हिचकोले खाती नज़र आती है, हमेशा ऐसा ही होता है, इस्तेकाम तो कहीं नज़र आ नहीं रहा, लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क की अगर ओवरऑल सिचुएशन देखें तो अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन की बातें बहुत ज़्यादा गर्दिश में है, गूंज सुनाई दे रही है, सियासतदानों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। नाज़रीन, पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा भी सियासी जमातें कर रही हैं, स्पेशली तरीके इंसाफ, वो कह रही है पार्लियामेंट में इस पर बहस की जाए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने यह मुतालबा किया है और इस ऑपरेशन के हवाले से उनके कुछ तहफ़ात भी हैं जो कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके तहफ़ात क्या हैं। तरीके इंसाफ यानी कि उसके तहफ़ात हैं, वो मुखालफत कर रही है, सिर्फ तरीके इंसाफ ही नहीं, ANP भी इसके मुखालफत में स्टेटमेंट दे चुकी है, मौलाना साहब ने भी आज नाज़रीन अपने तहफ़ात का इजहार कर दिया है। तो क्या ये सारी सियासी जमातें, यहाँ तक कि मौलाना साहब ने यहाँ तक कह दिया कि ये अज़्मे इस्तेकाम पाकिस्तान नहीं है बल्कि ये अज़्मे इस्तेकाम नहीं होगा, ये अदम इस्तेकाम होगा, मौलाना साहब क्या कहना चाह रहे हैं? उनकी वजह वो कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन की वजह से मुल्क में मज़ीद अदम इस्तेकाम होगा, क्या वाकई ऐसा होगा? इस पर डिस्कशन करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, कोमो ने अगर ओवरऑल सिचुएशन देखें, माजी में देखें, कोमो ने अगर इस तरह के ऑपरेशंस करने होते हैं तो उसके लिए कंसेंसस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशंस में कामयाबियां कंसेंसस से ही हासिल होती हैं, पॉलिटिकल कंसेंसस होना ज़रूरी है, उसमें सबका कंसेंसस, सबका एक पेज पे होना, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी एक पेज पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मेरी पर्सनल राय है। नाज़रीन, अवाम की ताकत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के पीछे खड़ी होती है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं एक पेज पे होती हैं इस तरह के बड़े ऑपरेशंस में और वो अपनी फोर्सेस को सपोर्ट कर रही होती है, तभी इस तरह के ऑपरेशन जो हैं कामयाब होते हैं। अब इसके बाद इस तरह के ऑपरेशंस कामयाब, ये पहले बहुत ज़्यादा सवालात खड़े हो गए हैं सियासी पार्टियों में, बहुत ज़्यादा बेचैनी है, क्या इस ऑपरेशन का क्या होगा, इस सब पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। दूसरी जानिब ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक कोल्ड वॉर किसी सूरत हाल है, कभी मान जाते हैं कभी रूठ जाते हैं, रूठने मनाने का सिलसिला जारी है, इसकी हकीकत क्या है, इस पर बात करेंगे। और नाज़रीन, सबसे प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे रिज़र्व सीट्स के हवाले से, ये जो आज भी हमने देखा कि लाइव हेयरिंग चलती रही है, इसका क्या एंड होगा। आपको बताते चलें कि इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सलमान आबिद साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सलमान आबिद साहब, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम है, सर इसको लेके सियासी जमातें बहुत ज़्यादा कंसेंसस नज़र नहीं आ रहा, ऐसे बेचैनी नज़र आ रही है, स्पेशली आज मौलाना फजल रहमान ने बहुत बड़ी बात कर दी, वो कहते हैं कि ये अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन नहीं है बल्कि अदम इस्तेकाम होगा, एग्री करते हैं?
देखिए अभी तो सूरत हाल ये है कि चार जमातों ने इस पे अज़्म एतमाद कर दिया है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अवामी नेशनल पार्टी एमल वली खान ने जी। और जमात इस्लामी समेत JUI ने, और चारों जमातों का मुतालबा ये है कि जो एपिक्स कमेटियों के जरिए ये जो सारा ऑपरेशन करने की कोशिश की जा रही है इसको पार्लियामान में लाया जाए, पार्लियामान में बहस की जाए और पार्लियामान के अंदर इत्तेफाक राय पैदा करके आगे बढ़ा जाए। क्योंकि फजलुर रहमान के बकौल जब जिम्मेदारी हुकूमत की है तो फैसले भी हुकूमत को करने चाहिए। एपिक्स कमेटी में हुकूमत के अलावा बाकी लोग बैठे हुए हैं जिसकी वजह से उनके तहफुजात हैं। अच्छा, माजी की एपिक्स कमेटियों के हवाले से तहफुजात हमेशा से रहे हैं और हम मतलब नतज भी उस तरह से हासिल नहीं कर सके हैं। तो मेरा ख्याल है कि वफाकी हुकूमत को चाहिए कि इस मसले को पार्लियामान के अंदर लेके जाए और पार्लियामान में गुफ्तगू की जाए। इन कैमरा सेशन की बात भी हो रही है, तमाम लोगों को इत्तेफाक राय के साथ अगर आगे बढ़ाया जाए तो इससे ऑपरेशन आगे बढ़ेगा। क्योंकि देखिए ना, चारों जमातें जो है, पीपल्स PTI, ANP, JUI और जमात इस्लामी का काफी असर व नफूज है KPK की पॉलिटिक्स में और उनका खासा वोट बैंक भी है, स्पीड पावर भी है। इसलिए उनको एतमाद में लेकर ही अगर ऑपरेशन किया जाए तो ये सबसे बेहतर होगा। अगर उनको नजरअंदाज ऑपरेशन किया जाएगा तो इसके मुस्बत नतीजे नहीं मिल सकेंगे। सलमान साहब, आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, लेकिन ये जब सियासी जमातें हैं, ये जो सियासी क़यादत है फिल वक्त, इनका किसी एक बात पे इत्तफाक ना होना, इसी अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन पे इसका फिल वक्त तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक ना होना और नित नई बोलियां सामने आ रही हैं, नित नए उनके जो हैं तहफ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, ऐसी सारी सूरत हाल में जब पॉइंट स्कोरिंग पोलिटिकल पार्टीज़ करती रहेंगी तो सारे मामला सर आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं तो देखिए ना, अगर आप सियासी जमातों को इतमाद में नहीं लेंगे और उनके साथ मिलकर कोई मुत्तफिका हिम्मत अमली इख्तियार भी करेंगे तब भी तो सियासी तकसीम पैदा होगी ना, उसके नतीजे भी मनफी होंगे। और ये माजी में भी हमने ज़र्बे अज़म और ज़र्बे अज़म में देखा है कि जब तक हम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड नहीं लेते उस वक्त तक नतज नहीं मिलते हैं। इसलिए जो भी तहफुजात हैं JUI के, जमात इस्लामी के, ANP के और PTI के, उनको पार्लियामान में बहस किया जाए और उसके बाद कोई मुश्तर हिम्मत अमली इख्तियार की जाए तो मुस्बत नतीजा निकलेगा। बात सवाल इसके कि हम पॉलिटिकल स्कोर करना शुरू कर दें, चाहे वो हुकूमत हो या चाहे वो अपोजिशन हो, तो इसको आना का मसला नहीं बनाना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन दोनों को इसमें फहमो फरासत का मुजाहरा करते हुए पार्लियामान के अंदर इसको लेकर जाएं और वहां से बहस के नतीजे में कोई चीज फाइनल करें ताकि पार्लियामान उसको लिजिटिमाइज कर सके और उसको लीड कर सके। अच्छा सलमान साहब, परसों एपेक्स कमेटी का इजलास होता है, उसमें वज़ीर आला KP भी वहाँ पे मौजूद थे। अब उसके बाद हमने कल असेंबली में देखा जिस तरह की धुआंधार तकरीर की जा रही थी अपोजिशन की जानिब से, ऐसे लगा कि जैसे उनको मालूम नहीं था इस ऑपरेशन के बारे में, उनको सरप्राइज मिला है अचानक से, उनके नॉलेज में कोई चीज़ नहीं थी। क्या वज़ीर आला KP ने अपनी पार्टी को नॉलेज में नहीं लिया, एतमाद में नहीं लिया, उनको नॉलेज नहीं दिया, या आपके ख्याल में, या आपको लगता है कि वज़ीर आला KP को खुद भी मालूम नहीं था? तो फिर अगर मालूम नहीं था तो वज़ीर आज़म ने कैसे मंजूरी दे दी? वज़ीर आला को आजाद कर चुके हैं ना आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि उन्हें इतमाद में नहीं लिया गया, वहाँ सिर्फ इसकी बात की गई थी, इस्तेकामे पाकिस्तान की, ऑपरेशन की कोई बात नहीं उनकी, उनके बकौल। दूसरी बात यह है कि जो वज़ीर आला होता है वो एक सियासी जमात का नुमाइंदा होता है जी। असल में हैसियत तो सियासी जमातों की होती है ना, वज़ीर आला की तो नहीं होती। सियासी जमातें उसकी क्यादत नहीं करेंगी और वो क्यादतें सियासी जमातें जो हुक्मरान जमात है PTI वो भी उसमें शामिल है। तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आला जो होता है पार्टी फैसलों का पाबंद होता है, तो पार्टी फैसलों की पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम में हुकूमत से ज्यादा जो पार्टी फैसले होते हैं उनकी अहमियत ज्यादा होती है और उसी को बुनियाद बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। और जो इल्ज़ाम लगा, जो कहा गया था कि जी वज़ीर आला KPK को सब में इत्तेमाद में लिया गया, उसकी तो उन्होंने आज नफी कर दी है। सलमान साहब, दूसरी जानिब ये भी हुकूमती या जिसे कह लीजिए कि जो सियासी मुखालिफ है उनके जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये इस सब की सहूलतकारी जो थी तहरीके इंसाफ ने की थी जब उनका पिछला टेन्योर था, और ये जो पॉकेट्स ऑफ टेररिज्म है इसका इल्ज़ाम वो KP की पिछली गवर्नमेंट पे लगाते हैं। डू यू एग्री? KP गवर्नमेंट के हवाले से अगर पूछे तो वो कहते हैं हमारे नॉलेज में नहीं था, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन अब माजी का मातम करने की जरूरत नहीं है। माजी में तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत भी गुड तालिबान और बैड तालिबान के अंदर पड़ गई थी और उन्होंने तालिबान के साथ मुजाकरात भी किए थे, इसलिए माजी में PTI के फैसले पे भी तनकीद हो सकती है। लेकिन वो हुकूमत थी, उसे फैसला करने का इख्तियार था, उसके फैसले के ऊपर लोग तनकीद भी करते हैं। लेकिन अब तो हुकूमत में बैठे हुए लोग वो गलती ना करें ना जो पहले गलती की गई थी, या जो पहले PTI ने गलती की या PMLN ने गलती की, अब वो गलती ना करें।
और जब नवाज शरीफ साहब समेत सब लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए, तो आप पार्लियामेंट को नजरअंदाज करके जब फैसले करेंगे तो फिर पार्लियामेंट की बालादस्ती कहाँ जाएगी। ठीक, अच्छा मुझे ये बताइएगा सलमान साहब, ये जो अभी तहरीके इंसाफ के अंदर से हम देख रहे हैं कि कुछ ग्रुपिंग के कुछ आसार नज़र आ रहे हैं, कुछ आवाज़ें उठ रही हैं, जैसे कि शहरियार अफरीदी ने कहा कि वो शायद उनका आखिरी खिताब होगा, उसके बाद शंदाना गुलजार का भी एक स्टेटमेंट आ गया, ट्वीट आ गया उनका कि अगर शहरियार अफरीदी रिज़ाइन करेंगे तो वो भी नहीं रहेंगे, वो भी रिज़ाइन कर देंगी। फिर हमने देखा बाहर बैठे मरवत साहब भी कुछ इसी तरह की बातें कर रहे थे। जब पार्टी के अंदर से कोई नहीं सुनता तो फिर शायद आवाज़ें बाहर निकलती हैं। आपको लगता है कि वाकई जैसे बानी पीटीआई ने पिछले दिनों स्टेटमेंट भी दी थी कि पार्टी पे मुश्किल वक्त है, तमाम ग्रुपिंग को खत्म कर दिया जाए, तरीके इंसाफ की ग्रुपिंग वाकई खत्म हो जाएगी, यकजा हो जाएंगे, या ये ग्रुपिंग इसी तरह से रहेगी? देखिए, पीटीआई एक सियासी हकीकत है, इसको तस्लीम करना चाहिए जी। और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी के वजूद को बरकरार रखा हुआ है। लोगों ने 8 फरवरी को उनको वोट भी दिए हैं और उन्होंने इंतखाब भी जीता है। वो अलग बात है कि उनको इंतखाब जीतने नहीं दिया गया। पार्टियों के अंदर इस तरह की तकसीम, इस तरह की ग्रुप बंदियां होती हैं। अब वो इस वक्त क्योंकि अमली तौर पर जो पीटीआई पर पाबंदी है, जी, वो जी। अपनी जाति जमात का नाम भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो और ना वो जल्द से जुलूस करने की उनको इजाजत मिल रही है। तो इसके मुख्तलिफ नोयत की पाबंदियों का सामना है पीटीआई, और जैसे ही वो इन पाबंदियों से बाहर निकलेगी तो यकीनी तौर पर अपनी सियासी सरगर्मियां भी शुरू कर देगी। मेरा ख्याल है कि हमें माजी के तजर्बे से सीखना चाहिए कि सियासी जमातों को ताकत के जरिए दबाने की जो कोशिश है, ना वो माजी में कामयाब हो सकती है, ना अब वो कामयाब हो सकेगी। सलमान साहब बिल्कुल आपकी तज़िया बहुत वैलिड है। अभी ये तरीके इंसाफ और JUI के हवाले से खबरें आई थी कल के कौमी असम्बली में मिलकर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर मुत्तफिक हो गए हैं। आपको लगता है ये जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स है इसमें भी JUI PTI का साथ देगी, या ठीक है मौलाना साहब को अब ये रियलाइज़ हो गया है कि नहीं असम्बलियों में बैठ कर अपोजिशन करनी है तो अपोजिशन के साथ ही बैठना पड़ेगा? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता JUI के बारे में। JUI को राजी करने की कोशिश तो कर रही है PTI, खासतौर पर असद कैसर साहब जी, लेकिन PTI जो JUI है उसके पास भी ऑप्शन बड़े खुले हुए हैं। हुकूमत भी उसको मुख्तलिफ नोयत की जो है ना पेशकशें कर रही है। तो अब ये तो JUI ने फैसला करना है कि वो हुकूमत के साथ बैठना पसंद करेगी या एक या वो अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। तो ये फैसला तो JUI कर रहा है और उसी की पोलिटिकल पोजिशन जो है वो बातें उसको करनी पड़ेगी। अभी तक तो ये लगता है कि वो वेट एंड सी के कॉन्टेक्स्ट में है और दोनों तरफ देख रहे हैं कि कहाँ से उनको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। सलमान साहब, ये जो आज रिजर्व सीट्स का केस चल रहा था, हम देख रहे हैं कि पहले भी इसके हेयरिंग्स हुई हैं, कुछ जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आती कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जो जजेस के रिमार्क्स थे उससे काफ़ी हद तक डायरेक्शंस नज़र आती हैं इस केस की। जो आज रिमार्क्स थे, आपको क्या लगता है ये डायरेक्शंस तरीके साफ के हक में जाती नज़र आ रही हैं, या जाहिर सी बात है सीट्स खाली तो नहीं छोड़ दी, या हुकूमत को ही दोबारा से दे दी जाएंगी? बात यह है कि पूरे केस को मिसहैंडल किया गया है। PTI से बंदे का निशान छीना गया, उनको इंतखाब लड़ने दी गई, नहीं दी गई, ये सारे फैसले जो है जिस तरीके से हुए हैं तब भी उस पर रेजर्वेशन है, उस पर रेजर्वेशन है। लेकिन अब ये फैसला क्योंकि कोर्ट के अंदर है और कोर्ट डिसाइड करेगी कि इस फैसले को कैसे लेके चलना है और कहाँ तक उसको लेके चलना है, तो इसलिए कोर्ट को फैसला करने दें कि कोर्ट क्या फैसला करती है। लेकिन बजाय तो ये लगता है कि जैसे PTI को मखसूस से नहीं मिल सकेगी, नहीं मिल सकेंगी। ठीक, बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, अभी आपने सलमान आबिद साहब का तज़िया सुना, वो कह रहे हैं कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे तरीके इंसाफ को ये रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी। बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो कि यही तज़िया कर रहे हैं, लेकिन जो जजेस के रिमार्क्स हैं उससे ऐसे लगता है कि जैसे इख्तलाफ होगा। अगर तरीके इंसाफ को ये सीट्स नहीं भी मिलती तो मेजोरिटी जजेस की शायद उस हक में ना जाए कि तरीके इंसाफ को ये सीट्स ना दी जाए। बहरहाल कल ये केस दोबारा लगा हुआ है, देखते हैं कि इसकी क्या आगे मंजरनामा निकलता है, कब तक इसको वाइंड अप किया जाता है, क्योंकि ये मुल्क की सियासत का रुख मुतय्यन करने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद तहरीके इंसाफ के मामला डिस्कस करेंगे, सियासी मामला डिस्कस करेंगे, और ये जो एक पिंग पोंग खेली जा रही है रूठने मनाने की सिचुएशन है पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ज़फ़र हलाली साहब, हैं सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया ज़फ़र हलाली साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़फ़र साहब, सबसे पहले अगर आज की हेयरिंग के हवाले से बात कर लें, रिज़र्व सीट्स के हवाले से, तो वो देखें तो वो भी कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे तरीके इंसाफ को मिलेंगी नहीं मिलेंगी सीटें, लेकिन अगर हम ऑपरेशन के हवाले से बात कर लें
इस्तेकाम में पाकिस्तान के हवाले से बात की जा रही है। मौलाना साहब कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनकी ये स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि ये इस्तेकाम नहीं लेके आएगा, ये अदम इस्तेकाम साबित होगा ये ऑपरेशन। आपको लगता है कि सियासी जमातों का अगर कंसेंसस ना होगा तो इस तरह के ऑपरेशन कामयाब रहते हैं? माजी के ऑपरेशन की मिसालें हमारे सामने हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आपके साथ जानबूझ के TTA, इसके मतलब तालिबान, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये जो दूसरे जो दहशत करते हैं, ये साथ हैं, इकट्ठे हैं, एक है। इन दोनों का एजेंडा एक ही है। वो एजेंडा ये है कि उन्होंने कब से कह रहे हैं कि अटक तक पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान का है, पहले दिन से उन्होंने पाकिस्तान को माना नहीं। तो ये लोग अब हर कोशिश इनकी होती है कि वो टेरिटरी हमारा जो है वो हासिल करें। अब ये मिल गए हैं, ये अमेरिकन, इजराइल, हिंदुस्तान इनको पैसे दे रहा है, अमेरिका भी देख रही है, खुश है, इसलिए कि अमेरिका का गोल यही है कि हमें कमजोर करें और हमारे असले जो है वो दे लें। तो और इसराइल का भी ये है। तो ये सब आपके खिलाफ ये हुआ है, ये जानबूझ के कर रहे हैं। इस वक्त वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान में टूट आई हुई है, पाकिस्तान इज डिवाइडेड, इधर कोई पार्टी ये कहता है, कोई पार्टी वो कहता है, और बहुत ही जरूरत है कि ऐसे मौके पे आप जुदा रहें, एक्सेप्ट एक रहें, यूनाइटेड रहें। अगर वो आप यूनाइटेड नहीं है तो उनका मकसद पूरा हो रहा है। और कभी आप सोच सकते हैं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का फरमान, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसके खिलाफ है, और कौन सा फरमान? वो फरमान जो टेररिज्म के खिलाफ है। इसके माने टेररिस्ट सोचते होंगे कि ये हमारे खिलाफ है मगर ये तो हमारा साथ दे रहे हैं। क्या ऐसे आप लड़ना चाहते हैं? ऐसे आप लड़ सकते हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि ये गलत बात होगी कि इस किस्म के हालत में ये ऑपरेशन लॉन्च किया जाए, मगर ऑपरेशन होना चाहिए, मगर ऑपरेशन होना चाहिए, इसलिए कि इन लोग जो हैं ये अनएक्सेप्टेबल है जिस तरीके से आके उधर से हमें मार रहे हैं। मगर सोचना चाहिए कि ये टाइमिंग इसका क्यों ऐसा है, और ये क्यों है कि वो ऐसे वक्त पे आ रहे हैं जो हमारे में इत्तेफाक नहीं है। ठीक, लेकिन जफर साहब, अभी सियासी जमातों के हवाले से देखें, चार सियासी जमातें ऐसी हैं जिनको तहफ़ुज़ात हैं इस ऑपरेशन पे, स्पेशली अगर तहरीक इंसाफ के हवाले से देख लें। कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आला थे वो एपेक्स कमेटी में थे, उनकी जो स्टेटमेंट आज की आई है वो कहते हैं जी अज़्म इस्तेहकाम की बात हुई थी, ऑपरेशन के बारे में कोई डिटेल नहीं बताई गई, एतमाद में नहीं लिया गया। फिर ये भी कहा जा रहा है कि ऐवान में आके डिस्कस करें, सब ऐवान के जितने मेंबरान हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए। ये सारे सूरत हाल में आपको लगता है कि ये सियासी जमातें हैं उनको क्यों नहीं अब तक एतमाद में लिया गया? इतना बड़ा अगर ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो डेफिनेटली आवाम उन पॉलिटिशियंस के पीछे खड़ी नहीं होगी, तो इतने बड़ा ऑपरेशन कैसे कामयाब होगा? बिल्कुल सही है, ये पॉलिटिशियंस को भूल जाएं, ये ऑपरेशन के पीछे आवाम होनी चाहिए, और आवाम नहीं होगी अगर इस किस्म का तकसीम है। एक पूरा प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में, एक पूरा प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहता है नहीं करो और आप कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है भाई? इसके माने आप इमरजेंसी डिक्लेयर करें, इसके माने आप क्या करें? कॉन्स्टिट्यूशन को तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, आपको मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। ये तो इसके माने पाकिस्तान में और भी डिविजन्स हो जाएंगे। देखिए, थोड़ा वक्त लें मगर इन पे समझाएं, इनको समझाएं कि क्यों ऑपरेशन की जरूरत है, क्यों ऑपरेशन करना है। इसलिए अगर आप ऐसे ही वो मारते जाएंगे और आप कुछ नहीं करेंगे तो उनके मजे आ गए हैं। लेकिन जफर साहब, सियासी जमातें हैं स्पेशली तहरीक-ए-इंसाफ जिनकी हुकूमत है KP के हवाले से अगर देख लें, वो कह रहे हैं कि हमें एतमाद में तो लिया जाए, हमें बताया जाए ऑपरेशन की डिटेल्स, उसके बाद हम सपोर्ट करने को तैयार हैं। प्रॉब्लम तो यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है, अभी तक एतमाद में नहीं लिया जा रहा, ऑपरेशन के बारे में कोई ज्यादा डिटेल्स भी सामने नहीं है। देखिए, बिल्कुल, अभी उन लोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट है,
टेक्निकली उनका इसका ये जो हो रहा है उनके उस टेरिटरी पे हो रहा है, आप उनको आप एतमाद में नहीं ले रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या क्या वो आपके दुश्मन है, क्या इन लोग जो हैं फ्रंटियर में वो नहीं चाहते अमन हो उधर? बिल्कुल चाहते हैं। तो अगर वो चाहते हैं और आप भी चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कैसा और क्या, क्या उनका हक नहीं होता? और अगर उनका हक नहीं होता तो क्यों नहीं होता है, वो हमको बताए कि भाई हम इसलिए इनको कुछ नहीं बता रहे हैं कि क्या ये मिले हुए हैं। अच्छा जफर साहब, ये पॉसिबल है, माजिद के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कि एपिक्स कमेटी का इजलास होता है तरीके इंसाफ के, वज़ीर आला के पी के जो गंडापुर साहब हैं वो उसमें मौजूद होते हैं, उसके बाद वज़ीर आज़म साहब उसके बाद इस जो है ऑपरेशन इसकी परमिशन दे देते हैं, बाकायदा तौर पर इजाज़त देते हैं, बाद में अब ये तरीके आज के पी के वज़ीर आला के स्टेटमेंट सामने आई है कि नाम लिया गया था, डिटेल नहीं शेयर की गई, बताया नहीं गया, क्या ऐसा पॉसिबल है कि तमाम वज़ीरे आला बैठे हों, एपिक्स कमेटी का इजलास हो और डिटेल ना बताई गई हो, वज़ीर आज़म ने बस ऐसी परमिशन दे दी हो, या आपको लगता है कि कोई ऑप्टिक्स पे सियासत कर रही है तरीके इंसाफ इस पे भी? दोनों चीज़ें हो रही हैं। एक बात तो ये है कि ऑपरेशन की ज़रूरत है, पूरा मुल्क समझता है ऑपरेशन की ज़रूरत है, पूरा मुल्क जानता है कि ये 7, 6, 5 और 10 लोग रोज़ पे मारे जा रहे हैं और उनको पता है कि ये किधर से आते हैं, क्यों आते हैं, कौन भेजता है, और उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए बिल्कुल। अगर नहीं होने, अगर वो रोक सकते थे इनको बगैर एक्शन के तो एक्शन की जरूरत नहीं होती, मगर अब तो हमारे लोग मर रहे हैं ना, उनके तो कुछ कम मर रहे हैं, और या उनके जो मर रहे हैं वो इतने नहीं मर रहे हैं कि वो खत्म कर रहे हैं, इतने नहीं मर रहे हैं जितने मरने चाहिए कि ये ऑपरेशन खत्म हो। तो अब बात असल ये है कि हमें कुछ करना चाहिए, और हमने कहा भी है पहले कि तुम हमारे खिलाफ हो गए तो हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे, ये तो सबको पक्का है। अब फिर भी वो आ रहे हैं और फिर भी वादा किया हुआ है टीटीए ने कि इनको हम नहीं आने देंगे, तो वो ना सिर्फ उनको आने दे रहे हैं, वो साथ मिले हुए हैं, हथियार जो है अमरीकनों ने कन्वीनियंटली छोड़ दिया था अफगानिस्तान में, 4 या 6 डंप्स हैं एमिनिशन के जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आर्ममेंट्स उसमें हैं जो इस्तेमाल हो सकते हैं, क्या ये अमेरिकनों को खत्म कर सकते थे? क्या उनको जाके बम नहीं कर सकते थे? हर चीज पे अमेरिकन बम करते हैं, तो जब आप बिलियन डॉलर आर्ममेंट्स इसलिए कि आप तो आज तुम इस्तेमाल करें और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें या जो भी करना चाहता है वो करें, आप उनको बम नहीं कर सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते, किया है आपने इस्तेमाल हो रहा है के लिए और आप कुछ क्यों, बल्कि आपको पता है कि किधर है तो आप मेहरबानी से जाके उनको करें, वही इस्तेमाल हो रहे हैं आपके लोगों को मारते हुए, साथ साथ इंडिया उनके साथ मिला है जिससे सबको पता है। मेरे ख्याल में अगर हमारी जो ताकत है और हमारा जो वेपन्स है ये वो सबको पता है, अमरीका भी खुश नहीं है उससे और इसराइल भी खुश नहीं उससे। तो देखिए ये सब चीजें हैं और खतरा है पाकिस्तान को, सीरियस डेंजर है, मगर हमारे इत्तेफाक नहीं करते, इत्तेफाक है इसलिए कि उनको लड़ाना चाहता है कोई होगा, देखो क्यों लड़ाना चाहता है, किसका भला है, अगर हम लड़े कि पाकिस्तान का भला है, हमारे लोग एक से लड़े कि पाकिस्तान का भला है, बिल्कुल नहीं, दुश्मन का भला है ना, तो कौन क्या कोई लड़ा रहा है, और अगर गलतफहमी में लड़ाई हो रही है तो वो गलतफहमी दूर करें। आप कहते हैं ऑपरेशन वो बता नहीं रहे, तो भाई क्या मतलब आपको वो बता नहीं रहे, एक तरफ से आप कह रहे हैं ऑपरेशन होगा फिर आप कह रहे हैं बता नहीं रहे, तो भाई बताओ उनको कि हम इधर से जा रहे हैं उधर से जा रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ऑपरेशनल प्लान तो आप नहीं रिवील कर रहे हैं कि एक आदमी इधर खड़े होगा, कितने लोग इधर या उधर, आप बताएंगे कि ये जनरल है। और अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है हमारे आईन के तबा
इन परस्यूएंस जो होता है, और क्रिटिकल गवर्नमेंट कहती है नहीं नहीं ये मत करो, तो भाई अच्छा तुम्हारा क्या ऑल्टरनेटिव प्लान है बताओ, पेश करो, आवाम में लाओ, पार्लियामेंट में लाओ, डिस्कस करो। ठीक है, ऐसा तो नहीं है वो कहते हैं नहीं नहीं ये हमारी बात नहीं सुनते लिहाजा हम जाएंगे। ठीक जफर साहब, अभी अभी ये जो सियासी मुखालिफ हैं तहरीक इंसाफ के, वो ये जो पॉकेट ऑफ टेररिज्म है इसका इल्ज़ाम केपी की गवर्नमेंट पे लगाते हैं, यानी कि पिछले टेन्योर के अंदर जब इन लोगों की बात हो रही थी, इन लोगों को लाकर बसाया गया, उस वक्त ये ख्याल था, ये आम तसव्वुर किया जा रहा था गवर्नमेंट की जानिब से कि ये आकर मुआशरे के अंदर असिमिलेट हो जाएंगे पुराने तरीक़ेकार से, एक फाल शहरी बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये समझा क्यों गया, इनको इस तरह से जगह क्यों दी गई? आपको लगता है कि ये जो सियासी जो मुखालिफ हैं, मुखालिफीन हैं, उनकी जानिब से ये जो सवालात उठाए जा रहे हैं ये दुरुस्त हैं? क्या इनको नहीं ये डिसीजन लेना चाहिए था? बिल्कुल सही है, ये डिसीजन नहीं लेना था। टीटीपी को वापस नहीं आने देना था, टीटीपी को हथियार के साथ जो इन्होंने सुनाया उनको भी नहीं आने देना था, टीटीपी को पूछना था और उनको वॉच करना था, 5-7 को छोड़ते और 2-3 महीने के बाद वॉच करते, ये क्या है कि उनको ये दुश्मन जो हमारे और जो लोगों को मारते हैं इनको आप ऐसे ही आने दिया? बिल्कुल गलत फैसला था, मैं तो समझता हूँ इट वॉज अ वेरी रॉन्ग डिसीजन। और अगर आपने उस वक्त फैसला किया और इन लोग वापस आए और फिर उन्होंने ये बात करने लगा, तो ये तो उनको उन लोगों से पूछे जिन्होंने फैसला किया था, और वो गलती मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इसलिए कि ये फैसला इज कॉस्टिंग लाइव्स। मगर वो तो उस वक्त था ना, वो हो गया गलती उस वक्त, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये जो पार्टीज थे वो किधर थे जब इनको आने दे रहे थे? उस वक्त उन्होंने ये मामला क्यों नहीं उठाया? आप बता सकते हैं मुझे? बिल्कुल, इनसे पूछे कि भैया तुम्हें तो पता था कि वो आ रहे हैं, वो तो पब्लिकली आ रहे थे, वो तो गवर्नमेंट को पता था, वो सब जगह फैल रहे थे, वो जो उनका पुराना जो तरीका था और पुराना जो था वो सब रिवाइव हो रहा था, तो आप अभी क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि इन्होंने भी शायद वो गलती की कि नहीं नहीं सब ऑल इज फॉरगेट, ऑल इज फॉरगिवन, ऑल इज फॉरगॉटन, आ जाए कोई बात नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया जफर हलाली साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगे। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की ये जो आपसी खट्टी मीठी सी लड़ाई चल रही है इस पर बात करेंगे, कुछ रिजर्व सीट्स के हवाले से जो आज सारा दिन हेयरिंग हुई है इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फारूक शहजाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक, बहुत शुक्रिया फारूक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। फारूक साहब, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये अज़मे इस्तेहकाम पाकिस्तान जो ऑपरेशन होगा उसके हवाले से आपके केपी के जो वज़ीर आला हैं उनसे काफ़ी तहफ़ुज़ात हैं, उनको भी क्या वाकई एक शॉर्ट लिस्ट का आंसर कर दें फिर रिजर्व सीट्स पे जाते हैं कि उनके नॉलेज में नहीं था कि ये ऑपरेशन किया जाएगा या किया जाने वाला है? जी जी मैडम, इन्होंने बिल्कुल हमें बिल्कुल असम्बली में इनको चाहिए था कि हमें अपने साथ लेते, हमें मुतमैन करते, तो फिर बात समझ में आनी थी। उनको नहीं पता था, वज़ीर-ए-आला साहब को, गंडा साहब को बिल्कुल इन चीज़ों का नहीं पता था, लेकिन उधर अभी अमनो अमान है, ज़रूरत भी नहीं है इस चीज़ की, तो ये तो बस कौन सा इनका आज तक पहले ऑपरेशन कामयाब हुआ है, कौन सा इन्होंने कोई कश्मीर आज़ाद करवा लिया, बस ये चीज़ें हैं, इसी वजह से नहीं कर रहे। फारूक साहब, एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आला केपी वहाँ पे मौजूद थे जब इसकी परमिशन दी थी, इजाज़त दी गई थी बकायदा तौर पे वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, तो वज़ीर आला को उस वक्त भी नहीं पता था, उस वक्त भी उन्होंने क्वेश्चन भी नहीं रेज़ किया कि ये अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान ये क्या है, ये ऑपरेशन है, किस तरह से किया जाएगा, उस वक्त भी उनके नॉलेज में कोई चीज़ नहीं थी? जी, उधर जब मीटिंग हुई है बिल्कुल मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन इनके साथ उन्होंने किसी ने कोई मशवरा नहीं किया, गंडापुर साहब के साथ और किसी भी मीटिंग में जरूर लिया लेकिन मशवरा नहीं किया। तो जब मशवरा नहीं किया तो उन्होंने भी आके अपनी सीनियर क़यादत से और लीडरशिप से सारा मशवरा करके गंडापुर साहब ने फिर ही कोई करना था, उसके बाद उन्होंने कोई बात भी नहीं की और सारी अप्रूवल दे दी। अच्छा फारूक साहब, ये बताइएगा कि रिजर्व सीट्स के हवाले से आपका केस, जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ये इतना इम्पोर्टेंट केस मेरे ख्याल में कि मुल्क की सियासत का रुख मुतय्यन करेगा कि 22 सीटें हैं, किसकी जानिब जाती हैं, किसकी मेजॉरिटी रहती है, अगर ये सीटें हुकूमती हलकों से हट जाएंगी तो उनकी 2/3 मेजॉरिटी जो क्लेम करते हैं वो ख़त्म हो जाएगी,
आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये जो हेयरिंग चल रही है, रिजर्व सीट्स आपके हिस्से में जाएंगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पूरा इत्माद करते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, हमें पूरा यकीन है कि फैसला इंशाल्लाह हमारे हक में आएगा। इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है, इन्होंने हमारी यहाँ से पूरे पाकिस्तान की सीट चोरी की है और आवाम का मैंडेट चोरी किया, तो ये सुप्रीम कोर्ट को सब पता है, सब कुछ नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरी उम्मीद है कि वो बिल्कुल मायूस नहीं करेंगे, पूरा इंसाफ करेंगे, हमें वहाँ से इंशाल्लाह मेरिट मिलेगा और ये रिजर्व सीट इंशाल्लाह हमें वापस आएंगी और इनकी 2/3 मेजोरिटी इंशाल्लाह हम नहीं होने देंगे। लेकिन फारूक साहब, ये तो वो चीज़ें हैं ना जो एक्सपेक्ट की जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट से, आप लोग एज अ पार्टी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर माजी के फैसलों को देखें तो रियलिटी इसके कुछ बरक्स है। सुप्रीम कोर्ट से जितने भी फैसले अभी तक हमने देखे हैं वो तहरीक इंसाफ के हक में गए नहीं है, तो इतनी ज़्यादा आप लोगों को कैसे श्योरिटी है कि अब की दफ़ा जो फैसला होगा वो आप लोगों के हक में जाएगा, जबकि इस सारे बेंच को हेड जो है वो चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब ने उस बेंच को भी हेड किया था जिसने बल्ले का निशान छीन लिया गया था, तो कैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है आप लोगों की जानिब से? जी शायद ये जब से ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने जजेस के ऊपर हमला किया, 6 जजेस का जो खत मिला उसके बाद जजेस ने स्टैंड ले लिया और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंशाल्लाह एक्शन लेगी और वो हम उम्मीद करते हैं कि पूरे वो इंसाफ देंगी हमें इंशाल्लाह, वो उसके बाद जो है चीज़ें बदल गई हैं, चेंज हुई हैं, जजों ने अपना अपने जो ब्लैकमेल होते थे वो चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, वो सीधे हो गए हैं, वो कहते हैं हम हक के फैसले करेंगे, किसी के अंडर रहकर फैसले नहीं करेंगे, ये कोर्ट है। अच्छा फारूक साहब, चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे, वो कह रहे थे कि पीटीआई ने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की, क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है इस वक्त इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे भी और इलेक्शन कमीशन के फेल पे भी कि उन्होंने आज़ाद किस तरह से डिक्लेयर किया। पिछली हेयरिंग्स में हमने देखा कि जस्टिस अतर मेनुल्ला साहब ने बड़े क्वेश्चन रेज किए थे इस हवाले से, अब की दफ़ा ये आप लोगों को कहा गया था, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिल रहा, आप लोगों से कहा गया था कि आप लोगों ने अगर रिजर्व सीट्स लेनी है तो आप लोग किसी सियासी जमात को लाजमी ज्वाइन करें, और क्या वो जब आपने ज्वाइन करनी थी तो इलेक्शन कमीशन की मंजूरी थी उसमें, या इलेक्शन कमीशन का कोई उसमें अमल दखल नहीं था, अपनी मर्जी से आप लोगों ने ज्वाइन किया और बाद में इलेक्शन कमीशन को बता दिया कि 3 दिन का वक्त था, हमने इस सियासी जमात को ज्वाइन कर लिया? जी इन्होंने तीन दिन का तो हमें वक्त दिया, तो 3 दिन में हमें जमात तो कोई ना कोई ढूंढनी थी, पहले इन्होंने हमारे हाथ पांव बांध के इलेक्शन में फेंका और जब हमें पाकिस्तान की आवाम ने माशाल्लाह से इतना ज़्यादा वोट कास्ट कर दिया, 75% हमें वोट कास्ट हुआ पाकिस्तान की आवाम की तरफ से, और उसके बाद हमारा जाना तो मजबूरी थी, हमने कोई ना कोई जमात तो लेनी थी, अगर हम उस जमात में चले गए, हमने वो जमात ज्वाइन कर ली, तो फिर इनको चाहिए था कि ये हमें रिजर्व सीट्स वापस दे देते, तो ये हमने पहले भी केस किया हुआ है, इंशाल्लाह हमें अब पूरी उम्मीद है कि ये हमें सारी सीट्स वगैरह हमें ये वापस मिलेंगी और हम सुप्रीम कोर्ट पे इंशाल्लाह पूरे मुतमिन है और इत्माद करते हैं कि ये सीटें हमें वापस मिलेंगी। फारूक साहब, हर प्लान का प्लान बी होता है, चूंकि माजी के मैंने पहले भी कहा कि जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के वो तहरीक इंसाफ के ज्यादा हक में नहीं गए, लेट्स सपोज कि अगर ये डिसीजन, वैसे तो डिसीजन अभी आना है, अगर ये तरीके इंसाफ के हक में नहीं जाता तो आप लोगों का प्लान बी तो डेफिनेटली कोई होगा ना कि इसके बाद आप लोगों ने फर्दर क्या करना है, तो उसके बारे में थोड़ा गाइड करेंगे? जी मैडम, प्लान बी तो फिर हमारा क्या है, हम तो सड़कों पे आते हैं ये पकड़ के, हमें डंडे मार के, हमारे वर्कर को भी आपको पता है इन्होंने FIR दहशतगर्दी पता नहीं किस किस किस्म के पर्चे FIR दे दिए हैं, लेकिन हमने अगर ऐसा करते हैं तो इंशाल्लाह वकला हमारे साथ होंगे, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सड़कों पे भी आएंगे और उसके बाद प्लान बी भी है हमारे पास, वो उस पर हमारी जो PTI की सीनियर लीडरशिप है उस पर काम कर रही है और इंशाल्लाह हम उस पर करेंगे। प्लान बी यानी कि वही सड़कों पे आना, तहरीक चलाना, एहतजाज करना, स्ट्रीट पॉलिटिक्स वही होगा हमारे पास, इन्होंने और छोड़ा क्या, हम तो सड़कों पे आ सकते हैं और वकला को लेके चलेंगे और सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी हमें धरना देना पड़ा तो हम देंगे और कौमी असम्बली में हम भरपूर किस्म का एहतजाज करेंगे और इनका कोई किसी किस्म का हम इंशाल्लाह बिल नहीं, यानी कि आप लोगों का प्लान भी ये है कि आप लोग फिर एहतजाज की पॉलिटिक्स करेंगे, और अगर कौमी असम्बली में तो आप लोग खैर अभी रूटीन में भी अगर देखें तो आप लोग
वहाँ पे ठीक ठाक किस्म के ओपोजिशन कर रहे हैं, तो आप लोगों का प्लान है कि अगर सुप्रीम कोर्ट हक और इंसाफ के मुताबिक बकौल आपके अगर वो डिसीजन नहीं देती आपके हक में, तो आप लोग वहाँ पे भी धरना दे सकते हैं? हम वकला टीम के साथ इंशाल्लाह धरना देंगे और सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठेंगे, ठीक, और हम उम्मीद करते हैं कि हमें ये इंसाफ मिलेगा और हमें इस फैसले पे पूरी उम्मीद है कि ये हमारा हक है, ये हमें हक मिलना चाहिए। तो ये अगर हम हक नहीं ले सकते तो फिर पाकिस्तान में ये पॉलिटिशियन करने का फायदा नहीं है। और ये जो हमारे लीडर इमरान खान ने जो विजन और जिस झंडे पे काम कर रहे हैं और जिस लिए वो इस टाइम अंदर बैठे हुए हैं जेल में सलाहों के पीछे इतनी देर से परेशानियों में, और उसका हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो फिर हमें चाहिए कि हम ये पॉलिटिशियन ही छोड़ दें या पाकिस्तान हम छोड़ देते हैं। हमने तो इत्तेजाज करने या फिर करेंगे। सियासी जमातें हैं शहजाद साहब, उन्होंने डेफिनेटली सियासत तो आप लोगों ने करनी है, पॉलिटिक्स करनी है। मुझे ये बताएगा कि पीटीआई और जेयूआई ने कौमी असेंबली में मिलकर ओपोजिशन मतलब ठीक ठाक किस्म की जोरदार धमाकेदार ओपोजिशन करने पर इत्तेफाक कर लिया है, अभी तक की यह खबर रिपोर्ट हो रही है, इसमें किस हद तक सदाकत है या ये सिर्फ ऑप्टिक्स की हद तक है? जेयूआई ने आपके साथ वाकई में एग्री कर लिया, आपके साथ चलेगी और स्ट्रीट पॉलिटिक्स में भी आपके साथ हो गई, या जस्ट ऐवान की हद तक वो आप लोगों के साथ चलेगी, कितनी सदाकत है? ये जस्ट ऐवान की हद तक हमारे साथ चलेगी, अल्लाह ने जब हमें मौका दिया वो इंशाल्लाह वो अपना करेंगे, हम अपना काम करेंगे, हम तो मुल्क के लिए करते हैं, हमारा लीडर किसी जमात को साथ लेके नहीं चलेगा। यानी कि स्ट्रीट पॉलिटिक्स आप लोगों की अपनी अपनी, तहरीकें आप लोगों की अपनी अपनी, और आप लोग ऐवान में मिलके ओपोजिशन का किरदार अदा करेंगे? ऐवान में मिलके बात कर रहे हैं, ओपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, हम हुकूमत में नहीं मिलकर काम करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया मियां शहजाद, मियां फारूक साहब आपका, फारूक शहजाद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।